नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3, उसमें है बस मुख्तसर करना है, 180 है इसका जज़र है। ये तो बहुत आसान सवाल है, 180 का हम क्या करते हैं जज़र निकाल तजी कर लेते हैं, फैक्टर्स जिसको बोलते हैं, 180 2/18 ज़ीरो, 45/92 फिर 3, फिर 5/3/15, फिर 5/1/5, इसको कैसे लिखेंगे, 2^3 ^5। तो ये जज़र और स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2^3, तो जो 5 है ये जज़र के अंदर रहेगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, 6/5 ^5। ओके, तो इसके आगे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, ये नहीं था स्मार्ट सिलेबस में, वैसे करवा दिया, 3/1/6/2, तो 3/1/6/2 इसकी हम तेज़ी कर लेते हैं, तो इधर कर लेते हैं किसकी, 162 की, 8/16 = 1, तो ये आएगा 27/81, तो 9/27 / 3/3/9 = 3 / 1/3, 3^0 = 3, तो ये आएगा 3 × ये 3 है, 3 तो पहले ही इंडेक्स है, बैर है, ठीक है, नहीं सॉरी इंडेक्स नहीं, बैर है, तो ये 3 भी बैर आ जाएगा, ये 3 भी, ये जैसे जैसे स्केयर, ये जैसे स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो 3^3/3, तो इसके अंदर 2 रह गया, 3/9 = 9, 3/27 और इंडेक्स 2, ये 27 जैसे √2 इसका आंसर। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, वो है इसका इंडेक्स 5 है, 96x^6 y^7 और z^8 है, तो हम इसकी भी तजी करेंगे, कैसे करेंगे जी, इसकी हम तजी करते हैं, (2^2^2) (2^1^2^3) ये 5^3 (x^6 / y^7 और (z^8), ठीक है, 3^2 (6), 6^2 (8), 8^2 (12), 3^2 (6), 6^2 (12), 12^2 (24), 24^2 (96), ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हम इसकी पावर बना लेते हैं, ये इंडेक्स में है, इसको पावर में लेते हैं, 2^5 × 3/x^6 / y^7 / z^8 और इसकी क्या बनेगा, 5/2, y^7 / 5/2 तो (z^8 / 5/2), तो ये तो ये 5/2 = 10 हो जाएगा, ये 2^2 क्या आएगा, 10 और ये 5 आ जाएगा, 3 इसकी 2^2 (2), 3/6 / 3 × 15 आ जाएगा, ये (y^7 / 5/35) ये गलत
यहाँ से गलती भी 1/5 बना था, तो ये 1/5 × 3 × 6 1/5, नेक्स्ट y^7 1/5, z^8 1/5, तो ये 5/5 से कैंसिल 2, तो 3 x इसकी पावर क्या 6/5, 6/5 और आगे क्या है जी, ये जो y है इसकी पावर है 7/5 और z की पावर है 8/5। तो इसमें कुछ चीज़ कॉमन भी आ रही है, आ रही है तो कर लें, नहीं तो ये ऐसा ठीक माना जाएगा। तो चेक कर लेते हैं कोई अगर चीज़ कॉमन है। दो इसके साथ सब के साथ था कॉमन 2xyz आ गया, तो अंदर ये 5 × 3 x² z³ इसका आंसर आ गया। ये सवाल नंबर 1 था। दूसरा करते हैं, दूसरा है जो दूसरा बाद में करेंगे, आज इट्स इनफ।